प्री डुगरी वालों साडा पंजाबी विरसा चैनल देख रहे सारे दर्शकों सत श्री अकाल दोस्तों दोस्तों जिवें कि पिछली वीडियो असी मिनी कुलदीप माणक की वीडियो तुहाडे रूबरू की सी ते अज जिक्र करते हैं पंजाबी दो गाणा गायकी दे बादशाह अमर सिंह चमकीला दे जीवन दीआं कुछ निजी जिंदगी नाल जुड़ियां गल्लां नाल सांझ पाउंदे आ जिवें कि टाइटल दिता है चमकीले दी आशकी शहीद किताब जो कि बलराज सिंह सिद्धू द्वारा लिखी गई है। इस किताब विच इक वाकया पन्ना नंबर 9 ते लिखा गया सफर ओ पढ़ के सुना रहे हैं दोस्तों। धनी राम नूं 14वां वरा लग चुकिया सी उसकी लियाकत तो कोई उसनूं बालक नहीं समझ सकता ते ना ही वह अपनी दिक नूं नाबालक दिसदा सी। नित वांग धनी राम साइकिल ते सवार होकर अपने पिंडों लुधियाने नूं जा रहा सी। साइकिल दे टायरां दी तौर विच ना काल सी ते ना ही मठापन एक मध्यम जिही रफ्तार नाल टायर सड़क ते लीका वहुंदे जा रहे सन। रांझा कहिंदा सहतीए माड़ा ना कह ना जोगी नूं सच्चियां दस दिना मैं सुन लै कण ला के। धनी राम दे मूहों निकलदे हीर दे बोल फिजा नूं महका रहे सन। जदों ओह गाउंदा सी तां अपनी गायकी विच इन्ना मगन हो जांदा सी कि उसनूं अपने आले दुआले दी वी सार नहीं सी रहिंदी गुआजिया करदा सी। ओह अपने गीतां विच उसदा गुआचना तां सुभाविक सी लेकिन उसनूं सुनन वाले भी अक्सर कायनात नूं भुल जाया करदे सन। ज्यों ही धनी राम पक्की सड़क वाली वड्डी सारी कोठी कोल दी लंघन लगा तक एक कागज दी गेंद आके उसदे सिर विच वज्जी। कागज होण करके भावें सट तां उसदे नहीं सी लगी पर बिरती जरूर उखड़ गई सी। उसदे हथ एकदम ब्रेकां उपर चले गए सन ते गीत दे बोल भी उत्थे ही थम गए सन। उसने गोला आउण वाली दिशा वल देखिया सी। कोठी दी बालकोनी विच खूबसूरत मुटियार खड़ी मुस्कुरा रही सी। उस मुटियार दीआं अखां विच हसरत सी एक शरारत सी एक मासूमियत सी ते सब तो वड्डी गल मुहब्बत सी। प्रेम निमरतन दे रहीआं ओह नजरां ओह तकनी धनी राम ने जिंदगी विच पहली बार देखी सी। कुड़ी ने कागज चुकन दा इशारा कीता सी तां धनी राम ठठंबर गया सी। उसदा सारा शरीर लरजा गया सी जिवें कोई बिजली दी लहर उसदे पैरां तों सिर नूं चढ़ गई होवे। एक स्वादला जिहा अनुभव सी जो अक्सर जवानी चढ़िया किसे नूं हुंदा है। फिर कोई खौफ उसदे सिर ते नचिया सी किसे अज्ञात डर दा फनियार उसदे जहन विच फुंकारे मारन लग पिया सी। कागज चुकन दी बजाए धनी राम ने साइकिल तोरिया ते तेज तेज पैडल मारदा उथों अपनी मंजिल वल इंज वधन लगा जिवें ओह चोरी करके भज रिहा होवे। पता नहीं क्यों डर गया सी। गल यह नहीं सी कि धनी राम नूं मुहब्बत दा इलम नहीं सी वैसे ओह इस जज्बे तो पूरी तरह वाकफ ही भी नहीं सी। ये वक्री गल सी कि धनी राम ने इश्क दा तजर्बा नहीं सी कीता जां इस प्यार दे फल नूं चक के नहीं सी देखिया पर उसने आंढ गुआंढ अते पिंड विच बड़े इश्क पेचे पेंदे देखे सन। जी इंज कह लो ओह जंज चढ़िया नहीं सी पर चढ़दे उसने बहुत देखे सन। उमर बेशक धनी राम दी अनभोल सी पर प्रेम भावनावां उस अंदर कदों दियां जग बुझ करन लग चुकियां सन। ज्यों ज्यों ओह अगे वधदा जांदा उसदा साइकिल होर तेज हुंदा जांदा सी। लुधियाणे पहुंचण तक ओह पसीने नाल तर बतर हो चुका सी। सारे राह उसदे अंदर अनेकां प्रकार दे ख्याल कुश्ती करदे रहे सन। फिर ओह अपने कम लग के सब कुछ भुल गया सी। हौजरी दी फैक्टरी दा वातावरण अते मशीनां दा दे शोर जां कह लो कम दे जोर ने उसनूं सोचण जोगा छड्डिया ही नहीं सी। हाले रोक ना भाभी मेरीए मैं साहिबा लियाउणी व्याह मैनू सद्या साहिबा हूर ने मिलना बीबो दे घर जा। अगले दिन जदों धनी राम फिर उसे राह तो लंघदा होया अपनी मस्ती मिर्जा गाउंदा साइकिल चला रहा सी तां उसे साइकिल दी चैन उतर गई सी। ये चैन उतरन वाला उही कल वाला स्थान सी जिथे उसके कागज का गोला वज्जा सी। साइकिल नूं स्टैंड ते ला के धनी राम चैन चढ़ाउण लग पिया सी। चैन ज़्यादा ढिल्ली होण कारण चढ़ ही नहीं सी रही। ओह चढ़ा के पैडल नूं गेड़ा दिंदा तां चैन मुड़ उतर जांदी सी। अजे ओह चैन नाल कुल ही रहा सी कि ओह बालकोनी वाली कुड़ी उसके सामने आके खड़ गई सी। उसके हाथ विच एक रोका फड़िया होया सी। तनी ने ओदे वल देखिया तां उसने रोका अगे वधाउंदिया मिसरी वर्गी मिठी आवाज विच कहा सी मैनू तू बहुत सोहना लगदा है ते गाउणा तू उस तों भी सोहना। यह सुनदिया ही घबरा के बिना चैन चढ़िया धनी राम उत्थों इंज भज गया सी जिवें कुड़ी नूं उसनूं दबका मारिया होवे। ओह साइकिल तू ही बहुत दूर तक दौड़दा गया सी ते उसने एक बार भी पिछे मुड़ के नहीं सी देखिया। धनी राम लई इह बिल्कुल नवां तजर्बा सी। फैक्टरी आ के भी उसदे हथ पैर कंबणों नहीं सी हटे। उसनूं समझ नहीं सी
लग रही कि यह हो की गया। उसका चित काऊ माऊ करता रहा सी ते वो बौंदलिया होया अजीब जी अवस्था विच पहुंच गया सी। अगले दिन धनी राम का दिमाग तो उसनू रस्ता बदल के जाने लिए कह रहा सी, लेकिन उसका दिल उसनू मोहरा मोड़ के फिर उसे रस्ते वाल लै तुरिया सी। उस कुड़ी द्वारा कहना तू मैनू सोहना लगता है नाल वध सुरूर धनी राम नू गाउणा तू उस तों वी सोहना। कुड़ी वालों की गायकी की तारीफ उसनू नशा रही सी, इसे वजह करके उदन धनी राम दे साइकल दी रफ्तार कुछ धीमी हो गई सी। वह उसे वाक नू चेते करके आनंदित हो रहा सी, स्वाद लै रहा सी उस प्रशंसामई फिक्रे दा, लेकिन पहले वाक नाल मन अंदर उपजिया सहम भी उसके जहन विच बरकरार। कोठी दे कोल जाके कुड़ी दा चेहरा धनी राम नू याद आ गया ते उस सिर तो पैरां तक झंझोड़िया गया सी। उसने पैडल मारन की रफ्तार नू तेज कर लिया सी। उसने कोई गीत भी नहीं सी गाया, दिमाग विच चलदी कशमकश ने धनी राम नू साह भी नहीं सी कढ़न दित्ता। गाउणा तां दूर दी गल सी, उह कोठी कोल दी साइकल भजा के लंघ जाना चाहुंदा सी। काली काली साइकल चलाउंदा होया उह टीरी जिही अख नाल कोठी वल भी देख रिहा सी। जदों धनी राम कोठी दे बराबर दी लंघन लगा तां धनी नू उह कुड़ी बालकोनी विच नज़र नहीं सी आई। इह देख के उस नू सुकून जिहा हो गया सी ते उसने अपने साइकल दी रफ्तार सधारण कर दित्ती सी। कुछ गज दूर अगे जा के भीड़ मोड़ नू मोड़ के उस वड्डी सड़क उपर चढ़ना सी। मोड़ कोल जा के ज्यों ही धनी ने साइकल दी टल्ली मारी तां उसनू इकदम झटका लगा सी। ओह बालकोनी वाली कुड़ी सामने रस्ते विचकार क्यों खड़ी सी जिवें उसदे आउण दा इंतजार कर रही सी। कुड़ी ने अगे वध के धनी राम दे साइकल दे हैंडल नू फड़ के उसदा रस्ता रोक लिया सी। धनी राम दा साइकल बिना ब्रेकां लाया आप ही रुक गया सी ते उसने पैर पुंजे जमीन नाल छोह दित्ते सन। लड़की ने प्रेम पत्र धनी राम वल वधाया सी। धनी राम नू कच्चियां तरेलियां आउण लग पईआं सन। धनी राम दे हथ उस कागज नू फड़न लई अगे ना वधदे देख के उस कुड़ी ने धमकी दित्ती सी, फड़ लै नहीं रोला पा दूं कि मैनू छेड़दा है। धनी राम ने आसा पासा देखा सी, चारे पासे कोई नहीं सी। उसने खेड़ा चढ़ाउण लई चपट्टा मार के रोका फड़ लिया सी। हुण तां जा लैंदे नहीं मैं मर जूं, यही तां मैं चाहुंनी आ तू ही मरे, मैं ता कदों दी तेरे ते मरी पई आ। आख के खचरा हासा खसदी उस कुड़ी ने रस्ता छड़ दिता सी। धनी राम ने खत सने हैंडल नू हथ पा के साइकल भजा लिया सी। डर नाल लत्तां कंबदियां होण दे बावजूद भी उसदा साइकल फुर्तीली कुड़ी वांग भज्जिया जांदा सी। फैक्ट्री पहुंचण तो पहला एकांत जिही थां रुक के धनी राम ने उह प्रेम पत्र पढ़िया सी। चिट्ठी विच कुड़ी ने अपने उस प्रति प्रेम भावनावां दा वर्णन करन तो उस प्रति खिच अते उसकी गायकी की तारीफ लिखी हुई सी। चिट्ठी का हर एक वाक गोली वांग धनी राम दे दिमाग विच वड़ गया सी। उस सतर जिथे कुड़ी ने लिखा सी मैं तेनू लाउड स्पीकरां विच गाउंदा सुनना चाहुंदी हां, चिट्ठी नू पढ़दिया ही धनी राम सुरूरिया गया सी। फैक्ट्री जाके भी उसका धरती ते पब नहीं सी लगता। जिंदगी विच धनी राम दा ओह पहला प्रेम तजर्बा सी, इसलिए उसनू पता ही नहीं सी कि इस तों अगे की करना सी। अगे कुछ करन बारे धनी राम सोच भी नहीं सी रहा। उसनू तां अजीब जिहा खुमार चढ़ी जांदा सी। ओह कुड़ी कुत्ते वाले तवियां ते उसकी फोटो देखनी चाहुंदी सी ते उसकी आवाज़ लाउड स्पीकरां विच वजदी सुनना चाहुंदी सी। धनी राम नू जापदा सी जिवें इह सब जल्द सच होण वाला सी। सारी दिहाड़ी धनी राम हवा विच उड़दा रहा सी। दिन विच उसने कई वारी जेब विच कट के उह प्रेम पत्र पढ़िया सी। उसनू उस चिट्ठी दा इकला इकला शब्द याद हो गया सी। धनी राम बेशक उस कुड़ी दा नाम तां नहीं सी जानदा ते ना ही उस कुड़ी ने चिट्ठी विच अपना नाम लिखिया सी, पर फिर भी धनी राम ने उसका नाम बिल्लो रख लिया सी। धनी राम नू बिल्लो नाल बहुत मुहब्बत हो गई सी। एक पल लई तां धनी राम ने बिल्लो नाल व्याह कराउण दा विचार भी मन विच बना लिया सी। उसका दिल बिल्लो नाल घर वसा के उज्जवल भविख दे सुपने बुनन लग पिया सी। दोपहर नू रोटी दी छुट्टी वेले धनी राम हमेशा फैक्ट्री दे बाहर खड़ी चाह दी रेहड़ी वाले कोल जा के रोटी खांदा हुंदा सी। रेहड़ी दे मालक बूंदी नू ओ चाचा आके बुलांदा हुंदा सी ते उसनू उसदे मन पसंद दा कोई गीत भी सुना दिंदा सी। बूंदी धनी राम नू चाह दा कप मुफ्त दे दिंदा सी। उस दिन रोटी खान गए धनी राम ने जांदे ही बूंदी नू पुछ लिया सी, चाचा जे मेरे आ साइकल दे कैरियर ते वड्डी सारी कोठी आलियां दी कुड़ी बैठी होवे ते क्यों जी लगे, की गल अज चाह दी थां पैग ला लिया। बूंदी ने बिना धनी राम वल ध्यान दित्या उत्तर दिता सी, नहीं क्यों। बूंदी हंडिया होया सी, वह झट समझ गया कि धनी राम कितों बोल रहा सी। उसने अपने काम विचे
ਛੱਡ ਕੇ ਧਨੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਬੈਂਚ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਦੇਖ, ਆਪਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤਾਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇਰੇ ਫਿੜਕੇ ਜਿਹੇ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਉਸ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰੀ ਹੈ। ਲੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਕੋਠੀ ਮੂਹਰਿਓਂ ਲੰਘਦਾ, ਧਨੀ ਰਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਪਨਾ ਬੋਲ ਪਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ, ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕੋਠੀ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਸਕੇ। ਕੋਠੀ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਤੂੰ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ। ਬੂੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਧਨੀ ਰਾਮ ਠੁੱਸ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਨੇਕਾਂ ਸੁਪਨੇ ਅਤੇ ਸਦਰਾਂ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗੂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਉਸਦਾ ਰੋਣ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੂੰਦੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਗੱਲ ਲਾ ਕੇ ਵਰਾਇਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਪਲ ਡੁਸਕਣ ਬਾਅਦ ਧਨੀ ਰਾਮ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝੇ ਤੇ ਬੂੰਦੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਚਾਚਾ ਤੂੰ ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਹੈਸੀਅਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕੋਠੀ ਵਾਲੇ ਸੋਚਿਆ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਕਾਰ ਤਾਂ ਕੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਪਖਤਾਵਰ ਬਣੂੰਗਾ। ਇੰਨਾ ਆ ਕੇ ਧਨੀ ਰਾਮ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣਾ ਸਾਈਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਉਸੇ ਨਿੰਮ ਵਾਲੀ ਮੋਟਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਗਾਉਣ ਦੀ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ 9 ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਅਤੇ ਗਾਇਕਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ।